नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। क्लीनिंग टूल्स तो हमारे घर को नीट मुझे ये कमेंट्स भी बहुत बार आए हैं और पूछा गया है कि मैं आप सबके साथ में जो मेरे क्लीनिंग टूल्स हैं वो शेयर करूं। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में जो भी क्लीनिंग टूल्स हैं मैं अपने पूरे घर को क्लीन रखने के लिए डेली या वीकली बेसिस पे जो यूज करती हूँ वो शेयर करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टूल होता है टू चूज द राइट डस्टिंग क्लॉथ। और मैं डेली बेसिस पे अपने घर को क्लीन रखने के लिए यूज करती हूँ माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ। अभी आप जितने भी माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ्स देखने वाले हैं उन्हें मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years एंड दिस इज माई रिसेंट परचेज जो कि इस तरीके से ग्रे एंड रेड के सेट में है। ये काफी पुराना सेट है जो अगेन ब्लू एंड ग्रे कलर में था और इनको मैंने परचेज करा है होम सेंटर से। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं सेट तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लूज पार्टिकल्स डाल रही हूँ और इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मैंने बिल्कुल भी गीला नहीं करा है। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स डस्ट को इधर उधर स्कैटर करने की जगह उन्हें कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने घर पे डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा सा गीला कर लें, अपने टॉप सर्फेसिस को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। मैंने कलर्स के अकॉर्डिंगली इन कपड़ों को डिवाइड करा है। ब्लू कलर फॉर नॉर्मल डस्टिंग, यहाँ पर मैं ग्रे कलर वाला जो क्लॉथ है उससे किचन का काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये जो आप पिंक कलर का डस्टर देख रहे हैं इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले अमेजन से परचेज करा था। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड आई केप्ट इट सेपरेटली टू क्लीन सिंक एरिया, बाथरूम के टैप्स या फिर कुछ इस तरीके से सिल। जब हम अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को कलर बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए डिवाइड करके रखते हैं तो ये क्लॉथ्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये लास्ट भी करते हैं। तो अगला क्लीनिंग टूल आपके घर पर होना चाहिए एक अच्छा सा फ्लैट फ्लोर मॉप। ये मेरी रीसेंट परचेज है कुछ इस तरीके से, जिसका क्लीनिंग पैड है उसमें लूप्स हैं जिसको आपको कुछ इस तरीके से एक एंड पर फिक्स करना है और उसके बाद में चाहे आपके घर में कुछ इस तरीके से विट्रिफाइड टाइल्स हों या फिर वुडन फ्लोरिंग, बहुत आराम से अपने बैक को विदाउट एनी बेंडिंग आप अपने फ्लोर को एकदम क्लीन रख सकते हैं डेली बेसिस पे। सबसे अच्छी चीज़ है एक बार जब आप मॉप कर लेते हैं तो इसे बेंड करें और कुछ इस तरीके से इसमें जो स्लाइडर दिया हुआ है उसको आपको बस थोड़ा सा आगे और पीछे की तरफ स्लाइड करना है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अपने आप रिंस आउट हो जाएगा। आपको इसके लिए अलग से कोई बकेट लेने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वाटर को स्पिन आउट करने के लिए, इसलिए मुझे ये वाला जो मॉप है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अब मैश तो आजकल हम सबके ही घर पे होती है, फिर चाहे वो डोर्स पर हो या फिर विंडो पर, और उसे क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये जो ब्रश है वो स्पेसिफिकली मैश डोर्स या विंडोज को क्लीन करने के लिए यूज आता है। सो आपको कुछ इस तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में, आई वुड सजेस्ट कि टॉप टू बॉटम आप कुछ इस तरीके से उसे स्क्रोल करें। आप जैसे जैसे उसे ऊपर से नीचे लेकर आते जाएंगे जितना भी डस्ट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आउट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कितनी सारी डस्ट इस मैश में से अभी निकली है जो यहाँ पर फ्लोर पर आपको अभी दिख भी रही होगी। डोर्स एंड विंडोज के साथ में आते हैं स्लाइडिंग ट्रैक्स, उन्हें क्लीन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक बहुत ही स्लीक सा ब्रश है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड हैं और ये काफ़ी अच्छे कुछ इस तरीके से ग्रिप के साथ में आता है, जो कि बहुत ईजली आप देखोगे कि आपके जो नैरोएस्ट ट्रैक्स भी होते हैं उसमें भी बहुत ईजली ये ब्रश अंदर की तरफ जाके लूज जो डस्ट होती है उसको रिमूव करेगा एंड सी कितना ईजली ये क्लीन कर पाएगा। एंड देन उसके बाद में आप एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और उसके बाद में इन ट्रैक्स को क्लीन कर दें। अब आप देखोगे कि मेरा हाथ तो उन नैरो वाले ट्रैक्स में नहीं जा पा रहा है, तो इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से भी उसको क्लीन कर सकते हैं।
हो सके तो बच्चों के जो खेलने वाले स्लाइम आते हैं इन्हें भी अपने क्लीनिंग टूल में ज़रूर ऐड करें, बिकॉज स्लाइडिंग डोर के कॉर्नर्स में कुछ अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो स्लाइम की हेल्प से आप बहुत ईजली उसे पिक कर सकते हैं। स्लाइम इसको वॉश नहीं कर सकते हैं, बट आप इसे मल्टीपल यूजेस तक यूज़ करिए जब तक कि इसकी स्टिकिंग पावर ख़त्म ना हो जाए। तो अब सोफे और कारपेट भी तो गंदे होंगे ही ना, तो ये जो ब्रश है इसका नाम है पेट हेयर रिमूवल ब्रश, यानी कि अगर आपके घर में कोई पेट है और उसके हेयर्स कुछ इस तरीके से कारपेट पर या सोफे पे आपको देखने के लिए मिलते हैं तो बस आपको इस ब्रश की हेल्प से कारपेट या फिर सोफे के ऊपर बैक एंड फोर्थ इसको मूव करना है, जितने भी पेट के हेयर्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे घर में कोई पेट तो नहीं है बट स्टिल आई लाइक टू कीप दिस ब्रश और इसकी हेल्प से मैं अपहोल्स्ट्री बहुत हद तक अपनी क्लीन रख पाती हूँ। ये ब्रश और भी ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम अपनी गाड़ी में बहुत सारे फ्लावर्स या फिर प्लांट्स लेकर के आते हैं तो बूट में अगर कोई ग्रास लग जाती है और उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, बट इस ब्रश की हेल्प से बहुत ईजली मैं उन सारी चीज़ों को रिमूव कर पाती हूँ। क्लीनिंग ब्रश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग योर हाउस क्लीन, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास भले ही कम क्लीनिंग ब्रश हो बट यूज़फुल ब्रश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शुरू करते हैं इस फर्स्ट ब्रश के साथ में जो कि है सिलिकन बॉटल क्लीनिंग ब्रश। ये नॉर्मल ब्रश नहीं है, नॉर्मल ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके टूथब्रश जैसे होते हैं जो मल्टीपल यूज़ के बाद में ब्रिसल्स अपना जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से आपको बार बार ब्रश को परचेज करना पड़ता है। बट सिलिकन होने की वजह से इसके ब्रिसल्स ख़राब नहीं होते हैं। आप कुछ इस तरीके से सोप एंड वाटर डाल के बॉटल के अंदर इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं बॉटल को अंदर से क्लीन करने के लिए। बड़ा हैंडल होने की वजह से इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है और सिलिकन इसके ब्रिसल्स होने की वजह से ये बहुत ईजली अंदर की तरफ जाकर के बॉटल को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। नेक्स्ट है ये ब्रश जिसको मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, ये जो किचन का सिंक है उसको क्लीन करने के लिए। आप इसी तरीके से एक और सेम टाइप का ब्रश रख सकते हैं घर के डिफरेंट डिफरेंट वॉश बेसिन्स को क्लीन करने के लिए। इसका शेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेंडेबल है जिसकी वजह से ये जो सिंक के कॉर्नर्स हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और ये जो ड्रेन वाला स्पेस है जो होल है उसको भी मैं बहुत ईजली यहाँ पर क्लीन कर पाती हूँ। तो ये है एक क्लॉथ क्लीनिंग ब्रश, इसके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इस कैप को ओपन करके इसके अंदर आप लिक्विड डिटर्जेंट फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, टूल्स कम हों बट आपके यूज़फुल टूल्स होने ज़रूरी हैं। तो मैं अगर डायरेक्टली कोई हार्श जैसे कि डिटर्जेंट केक लगाती हूँ अपने हाथ पर तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो स्किन निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मुझे कभी किसी कपड़े को सेपरेट हैंड वॉश करना होता है तो मैं इस ब्रश को यूज़ कर पाती हूँ जिसकी वजह से मेरा हाथ में से स्किन नहीं निकलता है। तो आई थॉट कि अगर मेरे जैसा कोई है तो हो सकता है उसके लिए ये टूल इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए आई एम शेयरिंग इट हियर। बस आपको इस बटन को पुश करना है, डिटर्जेंट बाहर आएगा और जैसे आप नॉर्मल क्लीन करते हैं इस ब्रश की हेल्प से अपने क्लोथ्स को वैसे ही क्लीन कर सकते हैं। किचन के अंदर अगर आप अपने बर्तनों को एकदम नया सा रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अच्छे स्क्रबर में इन्वेस्ट करें। अगर नहीं तो फिर चाहे वो आपकी लोहे की कढ़ाई हो या फिर स्टील की, खाना बनाते बनाते ऐसे जलने के निशान दिखने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा स्क्रबर खरीदें। ये एक हैवी ड्यूटी स्क्रबर है जो कि रोल में आता है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप इसे कट कर सकते हैं। ये वाला साइड बहुत सॉफ्ट है बट ये वाला साइड काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा है। इसी साइड की हेल्प से आप जितने भी जलने के निशान हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सोप और थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके बाद में आप जैसे अपने नॉर्मल बर्तनों को धोते हैं आपको एग्जैक्टली इसे वैसे ही धोना है। बट हाँ, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ और ताकत अपने नॉर्मल स्क्रबर के साथ में लगाते हैं आपको यहाँ उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको इसे मेहनत के साथ स्क्रब नहीं करना पड़ेगा और जितने भी बर्नड मार्क्स हैं वो फटाफट देखते देखते रिमूव हो जाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये वाला साइड मैंने क्लीन नहीं करा है बट नाउ लुक एट दिस साइड, ये एकदम क्लीन हो गया है। तो ये है मेरा एक और मैजिकल क्लीनिंग टूल, बिकॉज इसके तो नाम में ही मैजिक है। इसका नाम है मैजिक इरेजर।
जो कि आजकल तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और उसकी वजह से ये आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो ये बेसिकली मेलामीन के क्यूब्स होते हैं, यानी कि मेलामीन के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी हेल्प से इसे एक फोम में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे आप घर की किसी भी सर्फेस को विदाउट एनी टेंशन क्लीन कर सकते हैं। बस इस स्पॉन्ज को आपको थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद में कहीं भी कोई भी मार्क हो, पेंट गिर गया है उसके मार्क हैं, फ्लोर पर कोई स्कफ मार्क्स हैं, या फिर वॉल पर किसी भी तरीके का पेंट लग गया हो, हैंड प्रिंट है, क्रेयॉन्स हैं, बस आपको कुछ इस तरीके से उसको पानी बस लगा करके थोड़ा सा स्क्रब करना है, जो भी मार्क्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बस हाँ, सरफेसेस पर, नॉट ऑन द फैब्रिक, क्योंकि ये मेलामीन है और फोम है, तो जैसे जैसे आप इसे क्लीन करते जाएंगे ये डिस्पोज होके ख़त्म भी हो जाता है। तो आप सबके ही घर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कोलैप्सिबल टब या फिर कोलैप्सिबल बकेट, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली कोई क्लीनिंग टूल तो नहीं है, बट अगर ये क्लीनिंग में हेल्प देता है तो मैं तो इसे टूल बोल ही सकती हूँ। तो ये एक कोलैप्सिबल टब है जिसे मैं अराउंड 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। बॉटम से ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, विच मेक्स इट वेरी वेरी गुड। मैं इसको यूज़ करती हूँ इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि कभी मुझे वेजिटेबल्स क्लीन करना है तो इस टब को मैं वेजिटेबल क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अलग से मुझे सेपरेट हर एक वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए टैप के नीचे वेजिटेबल क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, वाटर भी सेव होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कभी अपने पूरे घर में कोई क्लीनिंग कर रही हूँ तो मुझे बार बार आकर के टैप के पास में वॉश क्लॉथ को या फिर जो मेरा माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ है उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इस तरीके से एक टब रखती हूँ। या फिर अगर कभी मैं कोई छोटा सा कोई हैंड वॉश करना है मुझे किसी क्लॉथ को, तो मैं इस तरीके से इस टब का यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग टूल है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक हैंगिंग स्लॉट भी है, तो इसको आप बहुत ईजली कोलैप्स करके, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस डोर के बैक साइड में हैंग करती हूँ, आप चाहें तो इसे वॉल पे लगा दें या किसी भी कैबिनेट के पीछे। ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट क्लीनिंग टूल है जिसका नाम है द पिंक स्टफ, और मैंने बहुत सारे हैक्स में आप सबके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करे हैं इसको यूज़ करके घर को कैसे आप क्लीन रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंक क्लीन कर रही हूँ, आप गैस स्टोव क्लीन कर सकते हैं, अगर आपकी नाइफ़ में रस लग गया है तो आप इसकी हेल्प से उसको भी क्लीन कर सकते हैं, अगर आपके फ्लोर में कोई बहुत ही स्टबन सा मार्क है जो नहीं जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार द पिंक स्टफ को ज़रूर ट्राई करें और हो सकता है कि आप उस मार्क को इसकी हेल्प से रिमूव कर पाए। बाथरूम के फ्लोर को टाइम टू टाइम क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको लिंगर करते हैं तो फिर बाद में एक एक टाइल को घिस के अलग से क्लीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, विंटर्स में स्पेशली मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं एक छोटा सा क्लीनिंग ब्रश लेके एक एक टाइल को घिस के क्लीन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके का एक स्टैंडिंग मॉप जैसा टूल, जिसमें बॉटम में मॉप की जगह पर एक ब्रश लगा हुआ है और इस ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जो कि इस तरीके के टाइल्स को क्लीन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। बस जो भी आपका क्लीनिंग डिटर्जेंट है, जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं, वो बस फ्लोर पर डालिए और उसके बाद में इस ब्रश की हेल्प से विदाउट एनी बेंडिंग आप बहुत आराम से अपने बाथरूम फ्लोर्स को क्लीन रख सकते हैं। आपके बाथरूम के फ्लोर्स हों या फिर आपके बैल्कनी के या फिर आपके घर के किसी भी कॉर्नर का कोई टाइल हो जिसको आपको क्लीन करने में डिफ़िकल्टी होती है, बस इस ब्रश की हेल्प से विदाउट एनी बेंडिंग आप उसे क्लीन करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि विंटर्स में मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मे बी इसका एक रीज़न है कि डिलीवरी के टाइम पे मैंने एपिड्यूरल लिया था, तो ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और काफ़ी टाइम से फॉर अराउंड 8 or 9 years मैं ये जो मेरा जॉ है वहाँ पर एक जॉइंट होता है जिसका नाम होता है TM जॉइंट, वो बहुत माइन्यूटली डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से विंटर्स में ही मैं इन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन फील करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट रिसीव करा जिसका नाम है इंस्टेंट वेदा रेमाक्योर कैप्सूल एंड रोल ऑन। सो मैंने सोचा कि ये एकदम कम्प्लीटली आयुर्वेद है और इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय आयुष, तो क्यों ना इसको एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए। तो मैंने रोल ऑन से शुरू करा,
तो जो भी मेरा जॉइंट था, जैसे कि मुझे नी में कुछ अगर पेन हो रहा है या बैक पे हो रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर जो मैंने आपको बोला मुझे TM जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो मैंने वहाँ पर ये रोल ऑन थोड़ा सा अप्लाई करा। ये जैसे कि बोलते हैं कि इंस्टेंट है, यस इट एक्चुअली वर्क्ड, और विद इन फ्यू मिनट्स, जैसे कि 5 or 10 minutes के अंदर अंदर आई स्टार्टेड फीलिंग कि जो भी पेन है या जो स्टिफनेस थी वो अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने बोला ये एकदम आयुर्वेदिक है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप विदाउट एनी टेंशन कैप्सूल्स देना अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बॉटल भी प्रिस्क्राइब्ड है कि किस बेसिस पर और किस हिसाब से आपको ये कैप्सूल्स लेने हैं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इन कैप्सूल्स को भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो रोल ऑन है वो एक पैकेजिंग में आता है, तो आप बहुत ईजली इसको अपने साथ, यू नो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, और बहुत ईजली, यू नो, कैप को ओपन करके बस जहाँ भी आपको इसे अप्लाई करना है आप वहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। दिस इज़ माई जेन्युइन फीडबैक। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप जो इसके साथ और भी जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, या जो मोबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, वो सारी प्रॉब्लम्स भी आप दूर रख पाएंगे। घर के सर्फेसिस को क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर हो। कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉर्डलेस के साथ साथ आपके पास हो सके तो एक कॉर्ड वाला वैक्यूम क्लीनर भी होना ज़रूरी है, बिकॉज कॉर्ड वैक्यूम क्लीनर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर होता है जिसकी वजह से आप सर्फेसिस को और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैं आगे किसी और वीडियो में डिटेल कॉर्ड वैक्यूम क्लीनर के बारे में डिस्कस करूंगी, बट तब तक आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये है एक एक्सपेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर जिसकी हेल्प से आप वॉल्स को बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वॉल से निकाल सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है विच मेक्स इट वेरी ईजी टू क्लीन द ब्लेड्स ऑफ द फैन। चाहे आपकी दिवाली की सफाई हो या फिर मंथली बेसिस पे वॉल्स या फैंस को क्लीन करना, इस ब्रश का होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए क्लीनिंग टूल्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर वीडियो रिलेटेड अपडेट्स। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।